राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस द्वारा कोरोना पर बार बार तंग कसने पर आज हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने सभी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी देश के साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं, जबकि इस आपदा में दुश्मन भी साथ होते हैं। विज ने कहा कि जो काम चल रहा है उसे नकारात्मक सोच से ग्रसित कर रहे हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन को बर्बाद करने में हरियाणा टॉप पर है। इस पर विज ने कहा कि इसके लिए विभाग से जानकारी मांगी हुई है। बता दें, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी द्वारा कोरोना को लेकर किए गए तंज पर हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी देश से दुश्मनी निकाल रहे हैं। इस कोरोना महामारी में उन्हें साथ चलना चाहिए, लेकिन वे नकारात्मक सोच से ग्रसित कर रहे हैं। विज ने कहा कि जब से ये महामारी फैली है तब इसे निरुत्साहित करने वाली बात कही, इसमें मदद कर रहे हैं उनको भी नकारात्मक सोच से ग्रसित कर रहे हैं। विज ने कहा कि कांग्रेस तो चाहती है कि वे तो डूबे हैं, तुम भी डूब जाएं, लेकिन कांग्रेस के कहने से देश नहीं डूबेगा बल्कि ये देश तो आगे बढ़ेगा। वहीं उन्होंने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा सरकार से पूछे गए सवाल कि लॉकडाउन में शराब तस्करों की बल्ले बल्ले कैसे हो जाती है, इस पर विज ने कहा कि सरकार पूरी तरह सख्ती कर रही है। विज ने दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि ये शराब माफिया कांग्रेस राज में ही जन्मा और पला बढ़ा है। विज ने कहा कि वे शराब तस्कर पर नकेल डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इन्हें पकड़ भी रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, ये तो देश के साथ अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। जब ऐसा क्राइसिस होता है, जो कि एक बहुत बड़ी आपदा है, विश्व स्तरीय आपदा है, दुश्मन भी इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और मदद करते हैं। लेकिन जिस दिन से ये बीमारी फैली है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा निरुत्साहित करने वाली बातें की हैं, हमेशा जो लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको डिमोरलाइज करने वाली बातें की हैं। कभी भी इन्होंने किसी का हौसला बढ़ाने की बात नहीं की है। अब बहुत लोग मदद कर रहे हैं, विदेशों में बैठे लोग भी मदद कर रहे हैं और ये खाली बातें कर रहे हैं। खाली जो काम हो रहा है, चल रहा है, उसको भी नकारात्मक सोच से ग्रसित करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से बारूगर की रिपोर्ट।